चमड़े, जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? छटका क्यों हराम है और जबिया क्यों हलाल है? पहले चुटकुला पेश करूंगा आपके। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दीन की बातें जानने के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि इस भाई का छोटा सा सवाल है कि पशु का जबकि हत्या करना पाप है, गोश्त खाना पाप है, फिर भी उसके चमड़ी से बना हुआ ढोल मंदिर में क्यों रखा जाता है? आइए हम जानते हैं अनुचार्य जी से, और साथ ही हम जानेंगे कि गोश्त जो है जबा किया हुआ जायज़ क्यों है और झटके से जबा किया हुआ हराम क्यों है, डॉक्टर नायक जी के हवाले। तो वीडियो शुरू कर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं मोतिहारी जिले बिहार से आया हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पहला प्रश्न है कि गुरु जी, मरने के बाद जो है जब इंसान मरता है तो उनको लेने कौन आता है? यमदूत अपने चित्रगुप्त को भेजते हैं। चित्रगुप्त होते हैं, वो आते हैं, जिसे यमदूत भी बोलते हैं। हमारे पड़ोसी एक गुरु बनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग जिस गुरु को भजते हैं वो गुरु ही बेरा पार लगाते हैं। हाँ, दोनों भी सत्य है। तो बोलो गुरु जी से जो भक्त भगवान के धाम को जाता है ना, उस भक्त को उसके गुरु ही ले जाते हैं और भगवान के चरणों तक पहुँचाते हैं। सत्य है ये। जैसे 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 मैं श्री संप्रदाय से हूँ, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय से है। हमने आपको मंत्र दिया तो आप भी श्री संप्रदाय से हो गए। जब आप में से कोई जाएगा तो हमारे श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वो हम भक्तों को लेने रिसीव करने आते हैं। देखा हुआ श्री रामानुजाचार्य जी, ये जो आचार्य गुरु है ना हमारे, वही लेने आते हैं। अच्छा, भक्तों को। दूसरी नंबर प्रश्न है कि चमड़े, जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? हाँ, बहुत ही खतरनाक। जूता भी चमड़े से बनता है और ढोलक भी चमड़े से बनती है, क्यों रखा जाता है? इसका कारण ये है कि देखो, हमारा ये हाथ जो है, ये दोनों ही हमारे हाथ हैं, पर एक हाथ पूजा के लिए योग्य है, दाहिना हाथ से पूजा करो बाएं हाथ से ना करो, हमारी दोनों हाथ हैं। इसी हाथ में एक को शुद्ध माना जाता है, एक को अशुद्ध माना जाता है। उसी तरह जो चमड़ा पांव से जुड़ गया वो तो अशुद्ध हो गया, पर जो चमड़ा कीर्तन भजन भगवान के लिए, तो वो चमड़ा भगवान के लिए जुड़ गया, इसलिए वो शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान के लिए, तो भगवान से जो जुड़ जाती है चीजें वो सब शुद्ध हो जाती है, मतलब इसलिए भगवान के लिए। बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, जड़ का क्यों हराम है और ज़िबी है क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब, भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़िबिया क्यों हलाल है। पहले चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं, जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का तो एक झटके से मारो जानवर, फिनिश खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था, यू नो इंग्लिश में कहते जस्ट अ जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है कि इस्लाम में हम ज़बिया करते हैं, ज़बिया के लिए बहुत से शराइत है,
कि छुरी जिससे जबिया कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का जबिया नहीं करना चाहिए, वो इससे शरायत है। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि जबिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, ज्यादा वक्त के लिए रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम जबिया करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, और मेन शर्त यह है आप जब जबिया करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है आर्टरीज एंड वेन्स उसको काटना चाहिए, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी ना, उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएंगे। जब हम जबिया करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं तो उसके अंदर दिल हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम जबिया करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासिम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासिम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, क्योंकि जितने जरासिम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होगी। आज की साइंस कहती है कि जब आप वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद तो मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसलिए इस्लाम जबे की हुक्म देता है, और हम मुसलमान भी हलाल जानवरों को जबे करके ही खाते हैं। देखने में तो यही देखा जाता है कि झटके से जानवर को अगर मारा जाता है तो उसकी आसानी से मौत हो जाती है, लेकिन अगर जबे करके जानवर को मारा जाता है तो उससे बहुत ही दर्द होता है। लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है वो आम लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है, और सभी लोग जबे को गलत कहने में लग जाता है। हालांकि इस्लाम की जो कानून है ये उस अल्लाह ताला के कानून जो कि हर एक चीज पर कादिर है, और हर एक साइंस उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जिसे कि किस तरह से जानवर को कम दर्द देकर मारा जा सकता है, जिसे अल्लाह ताला ने इस्लाम में बता के रखा है। तो हर दोस्त आज की इस वीडियो में इतना ही, अस्सलाम वालेकुम। अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अलविदा।